हेलो फ्रेंड्स, हम सब यही समझ रहे थे कि शायद वार मूवी के बाद सिद्धार्थ आनंद के साथ बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन सर की मूवी वार 2 ही होगी, लेकिन यहां पर तो मूवीज लवर के लिए इससे भी बड़ी खबर आ गई है कि सिर्फ वार 2 ही नहीं करेंगे सिद्धार्थ आनंद के साथ ऋतिक रोशन सर, बल्कि इसके अलावा एक और मूवी है और वो वार से भी पहले आने के चांसेस हैं और उसका टाइटल भी काफी दमदार है। तो वो कौन सी मूवी है, क्या अनाउंसमेंट है, चलिए उसी को लेकर बात करते हैं। तो अगर आप भी ऋतिक रोशन सर और उनकी मूवीज को मिस कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, तो बहुत जल्द आपको बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। तो देरी किए बिना आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन सर ने जिस तरह से एंट्री दी थी वार मूवी में, वो तो अब तक कोई नहीं भूल पाया और 2019 में वो वाहिद मूवी वार रही थी बॉलीवुड की जिसने 300 करोड़ का क्लब पार किया था। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, बड़ा प्यार वसूल हुआ था ऑडियंस की तरफ से। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन को खूब पसंद किया गया। इससे पहले बैंग बैंग मूवी में हमने इस कम्बो को देखा था ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद के। अब बात करते हैं वार 2 की। तो वार 2 मूवी तो बनकर रहनी ही है। यशराज फिल्म ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की थी इसके डायरेक्टर के थ्रू कि ऑलरेडी वार की स्क्रिप्ट पर काम किया जा चुका है और बहुत जल्द वार 2 भी बनने के लिए बड़े फ्लोट पर जाएगी, लेकिन ऋतिक रोशन सर का स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी है। वहीं पर ऑडियंस को वार 2 का इंतजार था कि सिद्धार्थ आनंद, जो इन दिनों पठान मूवी की शूटिंग में मसरूफ हैं शाहरुख खान सर के साथ, और जॉन अब्राहम भी इस मूवी का हिस्सा है और ये एक मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवी है, इस मूवी के बाद सिद्धार्थ आनंद हमें डायरेक्शन देते हुए दिखाई देंगे ऋतिक रोशन सर की मूवी को, और वो मूवी वार नहीं होगी बल्कि उसका टाइटल होगा फाइटर, और ये मूवी फाइटर जेट्स पर बनाई जाएगी। और इस मूवी में आउट क्लास VFX इस्तेमाल करते हुए ऋतिक रोशन सर बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस में देखने को नजर आएंगे, जेट्स की उड़ान बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे और ये एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी रहेगी। और अच्छी बात तो ये है कि इस मूवी में भी ऋतिक रोशन सर का वार वाला स्वैग आपको देखने को मिलेगा। ना तो अभी तक इस मूवी की लीड लेडी के बारे में कुछ अपडेट दी गई है और ना ही ये बताया गया है कि किस बैनर तले इस मूवी को बनाया जाएगा। आया के यशराज फिल्म इस मूवी पर पैसा खर्च करेगा या के ऋतिक रोशन सर के पिता राकेश रोशन इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। और इस वक्त जो लाइनअप है ऋतिक रोशन सर का वो कुछ इस तरह से है। एक तो नाइट मैनेजर ड्रामा सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे ऋतिक रोशन सर, जो कि लगभग 6 एपिसोड पर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा वो हमें वार 2 में देखने को मिलेंगे, लेकिन वार 2 से पहले क्रिश 4 की भी शूटिंग स्टार्ट करना बाकी है और उसे पहले रिलीज किया जाएगा। और अब एक और मूवी ऐड हो चुकी है फाइटर, जो कि सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बनाई जाएगी, एक्शन थ्रिलर मूवी होगी और ये एक बड़े बजट की मूवी रहेगी जिसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। तो ये सारी उनकी अपकमिंग लाइनअप है, अपकमिंग मूवीज और ड्रामा सीरीज हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी उनको मिस कर रहे हैं, उनकी मूवीज का इंतजार कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए मूवी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।